हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं दिलीप दी ब्लॉग्स। दोस्तों आज हम आप लोगों को अपने हरदोई ज़िले के एक प्रसिद्ध राजा रह चुके हैं, जो कि माधवगंज में उनकी स्मारक बनी हुई वही आप लोगों को दिखाने के लिए चल रहे हैं। दोस्तों तो मैं आ चुका हूँ रुइयागढ़ी, जहाँ पर हमारे हरदोई ज़िले के एक प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था राजा नरपत सिंह। उन्हीं के स्थान पर मैं आया हूँ। हम आप लोगों को अब अंदर का कुछ सीन दिखाते हैं और बैक कैमरे से जो इसका मेन गेट है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका मेन गेट है, एंट्री यहीं से करते हैं दोस्तों, और आप लोगों को दिखाते हैं कुछ अंदर का सीन। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ इतना जो है अच्छा नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, और ये यहीं अंदर पार्क में। दोस्तों आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं चारों तरफ का नज़ारा। दोस्तों मैं आ चुका हूँ स्मारक के पास में, और अब आप लोगों को अंदर चलकर हम आप लोगों को स्मारक का कुछ नज़ारा दिखाते हैं, अंदर का कुछ सीन दिखाते हैं, और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बताते हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं कि सुरंग भी है और एक तालाब है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। यहाँ पर अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि 15 अप्रैल 1858 को सूर्य पराक्रम के प्रतीक राजा नरपत सिंह ने अपने इस किले में अंग्रेजी सेना को करारी शिकस्त दी थी। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ये लिखा है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अंदर, आप लोग देख सकते हैं सामने बनी है राजा नरपत सिंह की जो है स्मारक, और अब आप लोग देख सकते हैं अंदर का कुछ चारों तरफ का नज़ारा। दोस्तों राजा नरपत सिंह जो थे वो एक हरदोई जिले के एक बहुत ही अच्छे राजा थे, क्योंकि हरदोई जिले में राजा तो कई हुए हैं, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी भी राजा नरपत सिंह जो थे उन्होंने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों को दोस्तों 4 बार राजा नरपत सिंह ने हराया, और दोस्तों अंग्रेजों के बहुत ही षड्यंत्र रचने के बाद राजा साहब जो हैं, राजा नरपत साहब को एक ऐसे षड्यंत्र में फंसा गया जिसमें राजा साहब को मतलब राजा साहब शहीद हो गए अंग्रेजों के षड्यंत्र में। लेकिन हरदोई ज़िले में के ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों को अपने जब तक जीवित रहे अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया, बहुत ही अच्छे राजा थे। और आप लोगों को राजा साहब की ये यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा है आज दिनांक 12 अक्टूबर 2002 को संपन्न हुआ। दोस्तों ये स्मारक 2001 में शुरू, इसका काम 2001 में शुरू हुआ था और 2002 में संपन्न हुआ, जो कि रुइयागढ़ी के राजा नरेश नरपत सिंह रेकवार इन्हें बोलते थे, और जो कि एक हरदोई ज़िले के प्रसिद्ध राजा थे, और इन्होंने अपने हरदोई ज़िले में कभी भी अंग्रेजों का घुसने नहीं दिया और हमेशा उनका सामना किया। 4 बार उनका दोस्तों 4 बार उनको युद्ध में हराया। दोस्तों राजा नरपत सिंह की दोस्तों रुइया के नरेश राजा नरपत सिंह की प्रतिमा अभी आप लोगों को हमने दिखाई, और जो राजा नरपत सिंह हैं उनके प्रतिमा के यानी कि जो उसमें वो उनका जो स्मारक जो वहाँ बनी है, और स्मारक के चारों तरफ दोस्तों इतना बड़ा तालाब है, तालाब हाँ दोस्तों तालाब ही से बोल सकते हैं, इतना बड़ा तालाब है,
और वो अभी आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है और आप लोग देख सकते हैं कितने सारे पक्षी सारस वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे हरी भरी चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे टहलने आना चाहते हैं तो ये हरदोई से 40 किलोमीटर पड़ता है और माधवगंज से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे रुइयागढ़ी गाँव पड़ता है और यहीं पर नरेश राजा नरपत सिंह की स्मारक बनी हुई है। यहाँ पे उनकी एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनी हुई है जो 2001 में बनवाई गई थी और सन 2002 में इसका। दोस्तों हम लोग आप लोगों को अपने दोस्त से मिलाते हैं और जो लोग हम यहाँ पे टहलने जितने लोग टहलने आए हैं उनसे मिलते हैं। प्रदीप जो कि बघौली में रहते हैं हमारे साथ, सोनू तो हमेशा रहते हैं और आप लोग देख सकते हैं, और आप लोगों को ले चलते हैं। यहाँ पे एक बताया जाता है पुराना कुआँ है, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। रुइयागढ़ी के नरेश राजा नरपत सिंह की स्मारक प्रतिमा चारों तरफ से आप लोगों को दिखा दी है और अब आप लोगों को हम दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं जो राजा नरपत सिंह थे उनके यहाँ पे एक सुरंग बनी थी जो कि इस समय पूरी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सुरंग थी जो कि पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं ये सुरंग थी जो कि बंद हो चुकी है, फोटो भी अच्छी नहीं आ रही है। और दोस्तों अब आप लोगों को दिखाते हैं कुआँ। बहुत झाड़ियों में जाना पड़ रहा है भाई, पता ही नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये कुआं है। आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दी हैं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करना दोस्तों, ताकि मैं सीख सकूँ क्या गलत है क्या सही है। बाकी आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ और पूरी कोशिश यही रहती है कि सारी चीज़ और सारी बातें बताने की कोशिश करूँ दोस्तों। और सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर दोस्तों कर लेना और मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।